नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में हम एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सुमात्रन राइनो के बारे में। दुनिया में केवल दो देश है जहां पर सुमात्रन राइनो पाया जाता है, एक है मलेशिया, दूसरा इंडोनेशिया। और इनमें से मलेशिया में चार दिन पहले आखिरी सुमात्रन राइनो मर गया और मलेशिया में अब ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। सुमात्रन राइनो इज एक्सटिंक्ट इन मलेशिया। तो जानेंगे कि इसके एक्सटिंक्शन के क्या कारण है या फिर इसकी पॉपुलेशन कम होने के पीछे क्या कारण है और साथ ही साथ इसको बचाने के लिए क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं इंडोनेशिया और मलेशिया के द्वारा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा और फेसबुक आईडीज़ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे सभी वीडियोस की अपडेट्स मिल जाएंगी और टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सारे लेक्चर्स के पीडीएफ सबसे पहले मिल जाएंगे। दोस्तों, 1 दिसंबर से मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें डेली करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, साथ ही साथ स्टैटिक के क्वेश्चंस भी होंगे यूपीएससी लेवल के, आईएएस लेवल के। तो आप में से जो आईएएस 2020 का एग्जाम दे रहे हैं और जिन्हें एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी आती है, आपको समझ नहीं आता कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपसे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं, तो आपके लिए ये सीरीज काफी फायदेमंद रहेगी। इसे ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के नीचे आ रहे ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर इसका जो लिंक है वो मैंने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर भी अपलोड किया हुआ है, वहां से भी आप इसे कर सकते हैं। तो ये है वो सुमात्रन राइनो जिसकी डेथ हुई है अभी 23 नवंबर को। इसका नाम था ईमान और इसकी डेथ के साथ ही अब मलेशिया में कोई भी सुमात्रन राइनोसरस नहीं बचा है। तो 25 साल की ये इंडिविजुअल थी, फीमेल थी और इसकी अब डेथ हो चुकी है और अब केवल इंडोनेशिया ऐसा देश है जहां पर सुमात्रन राइनो बचे हैं और वहां पर भी इनकी संख्या 60 से 80 के बीच में बताई जाती है, लेस देन 80 है अकॉर्डिंग टू IUCN। सुमात्रन राइनोसरस का साइंटिफिक नाम है डाइसीरो राइनस सुमात्रेंसिस। इसकी खास बात यह थी कि इसमें दो हॉर्न होते हैं। ये दो हॉर्न जो है ये इसकी खासियत है क्योंकि केवल दो प्रजातियां हैं जिनमें दो हॉर्न होती हैं और उनमें भी एशिया में केवल यही वाली प्रजाति है। वैसे राइनोसरस के 5 प्रजातियां हैं, अभी आगे आपको बताता हूं। तो उनमें से सुमात्रन राइनोसरस सबसे छोटी प्रजाति थी। साइज में सुमात्रन राइनोसरस सबसे छोटा होता है 5ों में से। इनकी हाइट होती है लगभग 1 मीटर और इनका जो वजन है लगभग 1 टन के आसपास, 900 किलोग्राम के आसपास हो जाता है। सुमात्रन राइनोसरस पहले काफी बड़े एरिया में पाया जाता था। चलिए आपको मैप पर मैं बताता हूं। कुछ 100 साल पहले तक इसकी रेंज यहां पर, यानी भारत और भूटान वाला जो एरिया है, बेसिकली ईस्टर्न हिमालय के फुटहिल्स, यहां से शुरू होकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इन सभी देशों तक पाया जाता था। और ये है इंडोनेशिया के आइलैंड। ये वाला आइलैंड है सुमात्रा और ये वाला कहलाता है बोर्नियो यानी कालीमंतन, और ये वाला आइलैंड है जावा। तो वैसे इस राइनोसरस को सुमात्रन कहते हैं, यानी कि इस आइलैंड सुमात्रा पे ये पाया जाता है, क्योंकि जब से साइंटिफिक नेमिंग वगैरह शुरू हुई है तब से ये केवल यहीं पर पाया जाता है। लेकिन पहले ये भारत के या भूटान के एरिया से लेकर यहां तक, इंडोनेशिया वाले एरिया तक पाया जाता था। लेकिन अब इसकी जो पॉपुलेशन है केवल इन दो आइलैंड्स पर सिमट कर रह गई है। एक तो है ये वाला सुमात्रा और दूसरा है ये वाला कालीमंतन, जिसे हम बोर्नियो भी कहते हैं। ओके, और मलेशिया जो है, आप ध्यान रखना, ये जो नॉर्दर्न पार्ट है कालीमंतन का, इसमें मलेशिया देश की टेरिटरी है और यहां पर दक्षिणी कालीमंतन में इंडोनेशिया है। अभी जो रीसेंट डेथ हुई है वो इस एरिया में हुई है। यहां पर सबा नाम के एरिया में एक नेशनल पार्क था जहां पर ये कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा था। अब जो रिमेनिंग पॉपुलेशंस हैं वो केवल सुमात्रा के इस छोटे से एरिया में या फिर कुछ आइसोलेटेड पॉपुलेशंस दक्षिणी सुमात्रा में और सेंट्रल कालीमंतन में बची हैं। अब हम सारे राइनोसरस स्पीशीज के IUCN स्टेटस को देख लेते हैं। दुनिया में 5 राइनोसरस स्पीशीज हैं, जावन, सुमात्रन, ग्रेट वन हॉर्न राइनो यानी जो भारत में पाया जाता है, ब्लैक राइनो और व्हाइट राइनो। ओके, तो ये वाले एशियन है, ये अफ्रीकन है, पहले 3 एशियन है। इनमें से अब देखिए जो जावन वाला है ये भी बहुत ही कम बचा है, इसके भी 68 से कम नंबर्स हैं। अगेन ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सुमात्रन राइनो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, 80 से भी कम संख्या है। भारत में जो मिलता है ग्रेट वन हॉर्न राइनोसरस, इसके लगभग 3,500 हैं, तो ये वल्नरेबल की स्थिति में है। आपको ये याद रखना है वल्नरेबल भारत वाले राइनोसरस के बारे में। और एक सवाल भी आपके लिए, मुझे काजीरंगा के अलावा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम बताइए जहां पर भारत में ग्रेट वन हॉर्न राइनोसरस देखने को मिलता है। तो काजीरंगा के अलावा आपको मुझे बताना है किन किन नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हमें राइनो मिलता है। फिर उसके बाद जो ब्लैक और व्हाइट राइनो है ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, तो ये वाला भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और व्हाइट राइनो जो है ये नियर थ्रेटेंड है क्योंकि इसकी संख्या काफी अच्छी है, 17,000 मैक्सिमम इसी की जनसंख्या मिलती है। तो अगर रेंज की बात करी जाए तो जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये वाली,
एक समय में राइनोसरस इन सभी एरियाज में पाए जाते थे, अलग अलग स्पीशीज के अकॉर्डिंग इनकी रेंज दिखाई जा रही है, लेकिन अब जो आपको डार्क डॉटेड एरियाज दिखेंगे या फिर जो कलर्ड एरियाज हैं, अब राइनो केवल इन्हीं एरियाज में बचे हैं। तो आप देखेंगे जहां पूरे पूरे अफ्रीका में इनकी रेंज थी, अब केवल कुछ सिमटे हुए नेशनल पार्क्स हैं, और एशिया में तो बहुत ही कम हो चुकी है रेंज। भारत के अंदर बस पूर्वी इलाके हैं कुछ, और यहाँ पे अगर इंडोनेशिया की बात करें तो बहुत ही आइसोलेटेड पॉकेट्स हैं। इनफैक्ट इस मैप में तो आपको वो नजर भी नहीं आ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं इनकी घटती जनसंख्या के पीछे के कारणों के बारे में। तो पहला कारण है पोचिंग यानी शिकार, दूसरा है हैबिटेट लॉस। इनका हैबिटेट नेचुरल एरिया है इनका डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों में बढ़ती आबादी और साथ साथ ही बढ़ते कमर्शियल प्रेशर के कारण जंगलों में भी प्लांटेशंस आ गए हैं, इंसानी गतिविधियां बढ़ गई है, तो इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो सिकुड़ता जा रहा है, और अब तो ये केवल छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड पॉकेट्स में बचे हैं। जैसा मैंने आपको मैप में भी दिखाया, तो सुमात्रा वाले आइलैंड पे जहां ये पूरे आइलैंड पे मिलते थे आज से 100 साल पहले, अब केवल कुछ 2-3 नेशनल पार्क बचे हैं जहां पर ये इनकी आबादी वाइल्ड में मिलती है। तो वैसे ही इनकी बर्थ रेट काफी कम होती है नेचुरली भी। सुमात्रन राइनोसरस केवल 4 साल में एक काफ पैदा होता है, और उसमें भी अब इनकी पॉपुलेशन इतनी घट गई है, तो एक मेल और एक फीमेल का नेचुरली साथ आना बहुत चांस की बात हो जाएगी। और इनका जो सोशल नेचर है वो भी सॉलिटरी है, यानी ये एकांत में रहना पसंद करते हैं, मेल और फीमेल को भी झुंड बना के नहीं घूमते, सारे राइनोसरस इंडिविजुअली रहना प्रेफर करते हैं, केवल जब प्रजनन का समय होता है तब ये साथ में आते हैं। तो इनका नेचर सॉलिटरी है प्लस लो बर्थ रेट, और अब इनकी पॉपुलेशन भी काफी कम हो गई है, तो ये सभी रीजंस हैं कि इनका सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो फ्यू रिमेनिंग पॉपुलेशंस इन द वाइल्ड नॉट इनफ टू सपोर्ट नेचुरल रिप्रोडक्शन। और एक प्रॉब्लम जो कैप्टिव ब्रीडिंग में आई वो थी कि जब इन्हें कैप्टिविटी में रखा गया और लंबे समय तक ये जिंदा रहते हैं तो कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है, तो इनमें रिप्रोडक्टिव पैथोलॉजी भी बढ़ती जा रही है। तो जैसे ईमान थी वो 25 साल की एज थी उसकी, और जो पिछला मेल जो मरा था 6 महीने पहले उसकी एज भी 30 ईयर्स थी, तो उनमें सब में रिप्रोडक्टिव पैथोलॉजीज आ जाती हैं, यानी कोई ना कोई डिजीज आ जाती है जिसके कारण नया काफ पैदा नहीं हो सकता है। तो ईमान को कैप्टिव ब्रीडिंग में जब लाया गया था तो इस तरह से लाया गया था हेलीकॉप्टर के सहारे, इससे जंगल में इसे कैप्चर किया गया था, तो मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों ने कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चला रखे हैं। इनफैक्ट मलेशिया ने तो कई सालों से चलाया हुआ है, लेकिन फिर भी 30 साल में केवल 12 वाइल्ड राइनोसरस ये पकड़ पाए हैं, और ये प्रोग्राम पूरी तरह फेल हो गया क्योंकि कैप्टिविटी में एक भी राइनोसरस पैदा नहीं हुआ, और उसके पीछे के रीजंस मैंने आपको बता ही दिए हैं। अच्छा, ये भी याद रखना कि 2015 में वाइल्ड में ये एक्सटिंक्ट हो चुका था मलेशिया में, और अब कैप्टिविटी में भी आखिरी राइनोसरस मर चुका है, तो मलेशिया में ये पूरी तरह से स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लेकिन क्या फ्यूचर में इसे फिर से लाया जा सकता है? तो हाँ, चांसेस तो हैं। कंजर्वेशनिस्ट ने अभी ईमान के जो सेल्स हैं उन्हें सेल कल्चर को स्टोर कर लिया है, तो अगर भविष्य में कभी ऐसी टेक्नोलॉजी आती है कि वायबल एम्ब्रियोज बनाए जा सकते हैं तो उन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा सरोगेट राइनो के अंदर। ये अभी भी कोशिश की गई, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की ट्राई करी गई थी अभी भी, लेकिन ये फेल हो गया था ईमान और जो लास्ट मेल था उसके बीच में। तो इस स्पीशीज को अब बचाने का सारा दारोमदार इंडोनेशिया के ऊपर है। इंडोनेशिया में 60-80 सुमात्रन राइनोज बचे हैं, जिनमें से 8 तो कैप्टिविटी में है, लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम देखो, 7 तो है सुमात्रा द्वीप पर और 1 है यहां पर बोर्नियो पर, तो ये इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फिर भी इन्हें इनिशियल सक्सेस मिली है क्योंकि इनका कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वो 2 काफ पैदा करने में सक्सेसफुल रहा है। तो मलेशिया जहां पूरी तरह अनसक्सेसफुल था, इंडोनेशिया को कुछ सफलता हासिल हुई है। अब ये धीरे धीरे बड़े होंगे तो इनकी संख्या बढ़ेगी, लेकिन अगेन प्रजनन दर बहुत ही कम है, 4 साल में एक बार एक काफ पैदा होता है, तो इसीलिए ये बहुत ही लंबा समय लगेगा इनकी आबादी को फिर से बढ़ाने में। अब हम बात करते हैं राइनोसरस के हॉर्न के बारे में, जिसके कारण इसका शिकार होता है। ये जो हॉर्न है इसके अंदर क्या होता है, केराटिन वही मटेरियल है, वही सब्सटेंस है जो आपके और हमारे नाखून और बालों में होता है, इनसे ही हमारे नाखून बनते हैं। तो ये भी एक तरह का नाखून है जो राइनोसरस पर उगा है, और कई सालों में ये धीरे धीरे बड़ा होता है, और पोचर्स यानी शिकारी इस नाखून के लिए ही इसका शिकार करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि केराटिन है ये तो नाखून वाला मटेरियल है, इसके लिए इतना शिकार क्यों? तो देखिए, जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हैं वहाँ पर इसके कुछ मेडिसिनल उपयोग बताए गए हैं, इसे एफ्रोडीजियक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और वियतनाम में इसकी बहुत डिमांड है, वियतनाम चाइना यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि अब एक एफर्ट चल रहा है चाइना में, जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने ऑफिशियली घोषणा कर दी है कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे राइनोसरस के हॉर्न का, और वो डिनाउंस करते हैं इस तरह की प्रैक्टिसेस को। लेकिन फिर भी अभी इसकी जो मार्केट प्राइस है वो $250,000 है। अगर इस तरह का एक हॉर्न जो है वो लगभग $250,000 का बिकता है, तो अगर आप बाय वेट इसकी तुलना करो तो ये सोने के बराबर का रेट है। इतना अगर सोना होगा वो भी ढाई लाख मिलियन डॉलर का बिकेगा, तो गोल्ड के बराबर प्राइस है मार्केट में इस हॉर्न का।
तो ये जो हॉर्न है ये एशिया में मेनली इसकी डिमांड है, तो इसीलिए अफ्रीका से भी जो शिकार होता है वो अल्टीमेटली वियतनाम या चाइना जैसे देशों में पहुंचता है। तो अब एक लेटेस्ट रिसर्चर्स ट्राई कर रहे हैं कि राइनो हॉर्न को इन्वेंट किया जाए, आर्टिफिशियली इसे बनाया जाए, लेकिन इसको लेकर अगेन कई सारे मेडिकल और एथिकल इश्यूज हैं कि क्या आर्टिफिशियली हमें इस तरह का मटेरियल बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक चाइनीज यूनिवर्सिटी है, दोनों ने मिलकर कोलैबोरेट करके एक आर्टिफिशियल राइनोसरस हॉर्न बनाया है, ये भी 2-3 हफ्ते पहले की बात है। तो क्या सुमात्रा राइनोसरस पूरी तरह से गायब हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सटिंक्शन के विलुप्ति के कगार पर है? तो हमें पॉजिटिव देखना होगा। पॉजिटिव ऐसे देखेंगे कि देखिए हम्पबैक व्हेल है, इसका 19वीं सदी में बहुत शिकार हुआ था, ये मेनली पैसिफिक ओशन में इसकी आबादी मिलती है, तो इतना शिकार हुआ था कि ये जहां इसकी संख्या हजारों में होती थी 50,000 के आसपास, वहां से ये केवल 450 पर आ गई थी 20th सेंचुरी में। लेकिन फिर से इसके कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स उठाए गए, 50 साल से कंटिन्यूस एफर्ट्स चल रहे हैं, 1960s से इसको बचाने के लिए अलग अलग देश कोशिश कर रहे हैं, मेनली यूएसए कोशिश कर रहा है, तो अब जाकर इसकी जनसंख्या 450 से फिर से 25,000 तक आ गई है। तो हमारे पास सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं, और अगर सरकारें चाहें, अगर हम चाहें तो इसके लिए एफर्ट्स कर सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट।